एमडीके ट्यूटोरियल रे आपण मानको स्वागत। इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियो पई हमर चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं तळे थिबा बेल आइकन टिकु दबाइ दियंतु। आज आमे पढ़िबा सप्तम श्रेणी रो गणित बही रो प्रथम पाठ जार नाम होची पूर्ण संख्या एवं तहार द्वितीय अनुच्छेद टी पूर्ण संख्या रे गुणन प्रक्रिया। ते पिला माने डेरी न करी चालंतु जिबा। आशा करिबे भिडियोटी भल लागिबो एवं तुम मानक जदि भिडियोटी भल लागिला बहुमात्रा रे शेयर लाइक एवं सब्सक्राइब करिबे एवं कमेंट टीए निश्चित भाव देबे। तबे चालंतु पढ़िबा वर्तमान एबे जानिबा गुणन प्रक्रिया। ए गुणन प्रक्रिया कहाँ कहाँ मध्य संपादित हुए किपरि संपादित हुए ता विषय आलोचना करिबा। तेणु आज मुख्य विषय वस्तु हेउछि जे धनात्मक सहित धनात्मक गुणन प्रक्रिया, धनात्मक सहित ऋणात्मक गुणन प्रक्रिया, धनात्मक सह शून्य गुणन प्रक्रिया, ऋणात्मक सह ऋणात्मक गुणन प्रक्रिया, ऋणात्मक सह धनात्मक गुणन प्रक्रिया, ऋणात्मक सह शून्य गुणन प्रक्रिया। संपूर्ण भाव प्रक्रिया को जीवा पूर्व मुझे प्राथमिकता तुम मानक दौर ध्यान रख। धनात्मक को जदि धनात्मक द्वारा गुणन करा जाए तबे तुम्हारो धनात्मक ही आसे। धनात्मक को जदि ऋणात्मक द्वारा गुणन करा जाए तबे तहार गुणफल ऋणात्मक आसे। धनात्मक को जदि शून्य द्वारा गुणन करा जाए तहा शून्य आसे। ऋणात्मक को जदि ऋणात्मक द्वारा गुणन करा जाए तहा धनात्मक आसे। ऋणात्मक को धनात्मक सह गुणन कले ताहा ऋणात्मक आसे। ऋणात्मक को शून्य द्वारा जदि गुणन करा जिवो ताहार गुणफल शून्य आसिबो। एही भली भाबे तुमरो छटी प्रक्रिया हबो। एही भली भाबे छटी प्रक्रिया हबो तेबे से उक्त छटी प्रक्रिया को मु तुम मानक आगरे वर्तमान उपस्थापन करबी। ध्यान रो सहकार सुनिबो। धनात्मक संख्या सह धनात्मक रो गुणफल मन कर गोटे धनात्मक संख्या हूँ माइनस प्लस फाइव आउ गोटे धनात्मक संख्या हूँ प्लस फोर एम गुणफल आम निर्णय करवा जो धनात्मक सहित धनात्मक गुणफल निर्णय करुच तुम्हें जो दि जा संख्या गुड़ को तुम्हें संपूर्ण भाव कौन कर गुणी दब जमीक मुझे दि जा संख्या पांच गोटे चार चार पंचा कोड़े गुणी दे आ धनात्मक सहित धनात्मक गुणन करवा द्वारा धनात्मक हुए तेणु मुझे धनात्मक चिन्ह देदेली। तेणु सब पाने मन रख धनात्मक संख्या को जदि धनात्मक संख्या द्वारा गुणन करा जाए तेबे तेहा सब धनात्मक आसे। गुणन कला बेले साधारणतः तुम्हें मैंने गुणन करदेव एवं से धनात्मक चिन्ह लगे। यही धनात्मक चिन्ह लगे भी चलो न लगे धनात्मक चिन्ह को से संपूर्ण भाव बुझेब। तेज चलते जी धनात्मक सहित ऋणात्मक संख्यार गुणफल उपर को जी मनेकर धर जाऊ धनात्मक संख्या टी है प्लस फाइव ऋणात्मक संख्या टी है माइनस टू। ये दिज जाक गोटे धनात्मक गोटे ऋणात्मक संख्या मध्य गुणन प्रक्रिया संपादन करवा तेबे ये जो धनात्मक एवं ऋणात्मक सहित जो गुणन प्रक्रिया संपादन करुच गोटे धनात्मक अच्छी अंटी ऋणात्मक रही तेरे से समय कौन कर संख्या दुईट को गुणन करदेव एवं जेहेतु गोटे धनात्मक गोटे ऋणात्मक रही माइनस चिन्ह टीए लगेदेव। उदाहरण स्वरूप ये पांच ये दुई अच्छी पांच दुगुणे दस लिखिदेली एटे गोटे प्लस गोटे माइनस अच्छी अर्थात मुझी धनात्मक संख्या को जदि ऋणात्मक संख्या द्वारा गुणन कराए ता सब कौन हुए ना ऋणात्मक आसे तेनाली ऋणात्मक चिन्ह टी लगेदेव अर्थात प्लस पांच गुणन माइनस टू इक्वाल टू माइनस टेन हो। पुणी वर्तमान जीवा धनात्मक संख्या सह शून्य गुणन। धनात्मक संख्यार शून्य जिते गुणन कराए आम जानते धनात्मक संख्या को जदि शून्य गुणन करवा तहार गुणफल शून्य आसो। उदाहरण स्वरूप गोटे धनात्मक संख्या हूँ प्लस फाइव
ताकु जदि प्लस फाइव को आम शून सहित गुणन प्रक्रिया संपादन करवा तेरे सब सी कौन हम शून रर्थात तो कहार उद्देश्य हूँ जेकोसी धनात्मक संख्या को जदि शून तुम मैंने कौन कर गुणन कर तेज तहार गुणफल सब शून ही आसव मनकर पांचश गुणन शून इक्वल टू शून तुम्हें कह लक्ष गुणन शून शून तुम्हें कह एक्स गुणन शून शून तुम्हें कह चारि गुण गुणन शून शून हम तो पाने जान लो कौन ना कौन सी धनात्मक संख्या को जदि शून गुणन कल तहार गुणफल सब शून आसो तेरे बर्तमान धनात्मक रु धनात्मक गुणन जान लो धनात्मक सहित ऋणात्मक गुणन जान लो धनात्मक सहित शून रुणन जान लो बर्तमान रहा ऋणात्मक कथा आशा करीडियोटी भल लगु तेरे चलत ऋणात्मक आड़क जा बर्तमान जी ऋणात्मक संख्या यही ऋणात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या द्वारा गुणन करने द्वारा कौन हुए मुम मान प्राथमिकता सहित से ही पॉइंट कही ऋणात्मक सहित ऋणात्मक जो गुणन कराए सब धनात्मक हो तेणु ऋणात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या सहित गुणन कले धनात्मक परिणत हुए एक कथा मुझे तुमको पूर्व कही मन अच्छे ना पे तो चलते व्यवहार करवा मनकर गोटे ऋणात्मक संख्या माइनस फाइव एवं मन कर ऋणात्मक संख्या टी माइनस सिक्स तेज पाने यार गुणन साधारण गुणन जो भाई कर से भाई कर जिनकी पांच अच्छी छ अच्छी पांच छ को गुणन कले आसला तीस के तीस आसला मु तुमको कही ऋणात्मक सहित ऋणात्मक जदि गुणन करनात्मक हो तेरे ये गोटे धनात्मक पूर्ण संख्यार चिन्ह टे लगेदेव आपको जदि न भी लगाओ तथापि सी ठीक बोली चलो किंतु भूल सुधा ऋणात्मक चिन्ह लगे ना गणित तो भूल बुझे अच्छा बर्तमान ये शिखिले कौन ना ऋणात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या द्वारा गुणन करने द्वारा ता धनात्मक गुणन गुणफल आसे पुणी जी आम ऋणात्मक सहित धनात्मक धनात्मकर गुणफल विषय जीवा धरी निया जाऊ मु पूर्वरु तो तुम मानक अवगत कराई सारी पाने ऋणात्मक संख्या सहित तुम जदि धनात्मक पूर्ण संख्या को गुणन करा जाए ता सब ऋणात्मक आस पूर्वर मुझे तुमको कही सारी जदि दुईट जाक मध्य धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक यह थाए गोटे प्लस गोटे माइनस थी गोटे माइनस गोटे प्लस थी तार सब गुणफल माइनस रे ही तेणु गोटे धनात्मक गोटे ऋणात्मक पूर्ण संख्या को गोटे धनात्मक पूर्ण संख्या द्वारा गुणन करने द्वारा ता सब ऋणात्मक ही आसे तेणु तुम मान आगर जदि के ऋणात्मक सहित धनात्मक गुणन करार थी तेज ताक गुणन करदेव एवं ऋणात्मक चिन्ह टे देद मन रख पाने धनात्मक सहित ऋणात्मक गुण किंवा ऋणात्मक सहित धनात्मक गुण ता सब ऋणात्मक आस तेज चलत ये टी देखा तेज ऋणात्मक मनकर मुझे ऋणात्मक संख्या टी माइनस टू ऋणात्मक संख्या टी माइनस टू धनात्मक संख्या टी प्लस टेन तेज पाने गुणन जिते कर यही दुईट को साधारण भाव गुणी देवाई सब तेणु दस दुगुणे कोड़े हो गला आखि थ तुम गोटे माइनस गोटे प्लस अच्छी गोटे प्लस गोटे माइनस जदि थाए तेज मुझे से ऋणात्मक हे तेणु ये ऋणात्मक चिन्ह लगेदे तेज निहाती भाव बुझीपार यटा को तेज पुणी जी आम ऋणात्मक सहित शून रुणफल ऋणात्मक जिते शून द्वारा आम गुणन करवा तहार गुणफल सब शून आस कौन ऋणात्मक संख्या को जदि शून द्वारा गुणन कर गुणफल सब शून ही आस उदाहरण स्वरूप माइनस फोर गोटे ऋणात्मक संख्या ताकु जदि आम शून गुणन करवा तेज से गुणफल शून ही आसो जदि मनकर कह माइनस हजार बा वन थाउजेंड मल्टीपल जीरो इक्वल टू जीरो जदि ए को शून द्वारा गुणन कराए माइनस ए को तेज ताहा जीरो हेब तेणु मन रख पाने
कौनसी ऋणात्मक संख्या सह शून को जदि गुणन करा जाए सेमानकर गुणफल शून ही आसे। ये थिला तुम प्रक्रिया टी। वर्तमान उक्त प्रक्रिया टी जानिबा पई आमे विस्तृत भाबे तबे आगो जिबा चालंतु। तबे उक्त प्रक्रिया रु तुम माने कौन जानिल ना ए जो छटी प्रक्रिया रु तुम माने एतिके ही जानिल जे पिले धनात्मक सहित धनात्मक को गुणन कले धनात्मक हुए, धनात्मक सहित ऋणात्मक को गुणन कले ऋणात्मक हुए, ऋणात्मक सहित धनात्मक को गुणन कले ऋणात्मक हुए, ऋणात्मक सहित ऋणात्मक को गुणन कले धनात्मक हुए। तबे जदि तमे धनात्मक को धनात्मक को गुणन करिवो तबे ताहार उत्तर गुणफल कि धनात्मक रे ही आसिवो। जदि धनात्मक को ऋणात्मक रे गुणन कराबो तार उत्तर ऋणात्मक रे आसिवो। जदि ऋणात्मक को धनात्मक सह गुणन करिवो तार उत्तर गुणफल ऋणात्मक रे आसिवो। जदि ऋणात्मक को ऋणात्मक सह गुणन करिवो तार उत्तर धनात्मक संख्या रे आसिवो। एही भली भाबे तुम्हें ये चारिटी को मन रखा निहाती आवश्यक। तेब जीवा आम परवर्ती स्टेप पे आउ गोटे मु तुम मानक कही रखी जे ये तुम दुईटी संख्या कभी विचार कर संख्या था चारिटा संख्या थी पांचटा संख्या थी जदि ए संख्या मानक मध्य कोटा कोटा मध्य तुमर धनात्मक ऋणात्मक ये भाव थी मनकर धरनिया जाऊ ये माइनस फाइव देला गुणन फोर देला गुणन माइनस फोर देला तेब आर गुणफल निर्णय करवा। पूर्वे आम पढ़ी कौन दुईटी संख्या बर्तमान एवं दुई रु अधिका संख्या पढ़ा सब मन रख पाने यटा गोटे पॉइंट्स जोटा कि तुम गुणन प्रक्रिया को बहुत शाणित कर दुई रु अधिका तुम जब संख्या गुणन करने को दि जाए थाए तेबे उक्त संख्या रे उक्त संख्या गुड़ाक माइनस जो लगी से संख्या जदि जुग्म संख्या रे आसे से माइनसटा जुग्म संख्या रे आसे तेबे उक्त संख्या टी सब धनात्मक आसो। उदाहरण स्वरूप देखो एटे माइनस केतटा अच्छी दुईटी अच्छी एटे गोटे माइनस एटे गोटे माइनस दुईटी अच्छी एटे प्लस संख्या केतोटी अच्छी गोटी अच्छी। मु तुम मानक सब पाने जे ए जो ऋणात्मक धनात्मक एक रु अधिक जो गुणन करने जीव से तुम्हें माइनस संख्या केतटा अच्छी गणव माइनस संख्या जेतुटा बा ऋणात्मक संख्या जेतुटा थिबो से संख्या अजुग्म हैला कि जुग्म हैला सेटा को विचार करिवो। एठी जिंदगी मु कहली तीनटा संख्या देछि एथिरे माइनस लागितिबा ऋणात्मक लागितिबा दुईटी संख्या अछि धनात्मक गोटिए संख्या अछि धनात्मक को विचार को नेबा नेबे केवल ऋणात्मकटा को ही विचार को नबो। जदि उक्त संख्या रे जदि माइनसटा एटा दुई आसी दुईटा कौन है गोटे जुग्म दुईटा है जुग्म संख्या है तेज जुग्म संख्यक जदि ऋणात्मक संख्या थाए गुणन प्रक्रिय तेज उक्त गुणन प्रक्रियार गुणफल सदा सर्वदा धनात्मक आस मन रख। उदाहरण नहीं करदे ये पे देख ये रहा माइनस पांच चारि चारि को पांच गुणिले कौन हम ना माइनस कोड़े गुणन माइनस चारि माइनस माइनस है कौन हम प्लस के कोड़े इंटु चारि अशी ए माइनस प्लस अशी ए बुझ माइनस माइनस प्लस हम तेणु मुझे कौन कही तुमको ए तीन टी जाऊ गुणी पांच को कोड़े कोड़े चौक अशी अशी लिखिदेल ये माइनस दीटा अच्छी तेणु दुई दुईटा हूँ जुग्म संख्या तेणु ये प्लस चिन्ह लगेदेव। जदि अजुग्म होता सपोज धरिनि तुम यहीटा प्लस होता तेज कौन प्रक्रिया था कहल ना देख ये अजुग्म माइनस केतटा अच्छी गोटे अच्छी एकटा अजुग्म ना जुग्म अजुग्म वेरी गुड अजुग्म ये अजुग्म संख्या अच्छी से कौन हम ना माइनस लगे पांच कोड़े चौक अशी ये माइनसटे लगेगला बुझीगल पाने आशा करम लगेब तेब आगक जावा।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ। ତେବେ ଗୁଣନର ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ କହେ କ'ଣ ନା, ଯଦି ଏ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବି ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ଧରିନିଅ ଏ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମାଇନସ ଏକ, ବି ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଚାରି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ଯାହା ଆସିବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏ ଜାଗାରେ ମାଇନସ ଏକ ଲେଖିଲି, ମାଇନସ ଏକ ଗୁଣନ ଚାରି, ତେବେ ଏମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ଆସିଲା ମାଇନସ ଚାରି। ତେବେ ଏ ମାଇନସ ଚାରିଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ନା ନାହିଁ? ଭେରି ଗୁଡ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, କାହିଁକି ନା ଋଣାତ୍ମକଟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସେ। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଠୁ କ'ଣ ନା, ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ପାଳନ କରେ, ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ପାଳନ କରେ, ବୁଝିଗଲ? ତେବେ ପୁଣି ଯିବା ତୁମର କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମକୁ। ଯଦି ଏ ଗୁଣନ ବି ହୁଏ ତେବେ ବି ଗୁଣନ ଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ପାଳନ କରେ। ସପୋଜ ମନେକର ମୁଁ କହିବି ଏ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମାଇନସ ଫୋର, ବି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଫୋର, ତେବେ ଏ ଗୁଣନ ବି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କ'ଣ ହେବ ନା, ମାଇନସ ଚାରି ଗୁଣନ ଚାରି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆସିଲା ମାଇନସ ଷୋହଳ। ତେବେ ବି ଗୁଣନ ଏ ନା, ବିଟା ହେଉଛି ଚାରି ଗୁଣନ ଏ, ବି ହେଉଛି ଚାରି ଗୁଣନ ଏ ମାଇନସ ଚାରି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମାଇନସ ଷୋହଳ। ତେବେ ଏଠାରେ ଏ ଗୁଣନ ବିର ମୂଲ୍ୟ ଯାହା, ବି ଗୁଣନ ଏ ର ମୂଲ୍ୟ ସେୟା ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଗୁଣନ କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରେ, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ପିଲାମାନେ? ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଆଗକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ରହିଲା, ପୁଣି ଆସିଲା ତୁମର ସହଯୋଗୀ ନିୟମ। ଯଦି କୌଣସି ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଛି, ଦୁଇରୁ ଅଧିକା ହେଉଛି, ସେଇଠି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମର କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏ ଗୁଣନ ବି ଗୁଣନ ସି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏ ଗୁଣନ ବି ଗୁଣନ ସି, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେମାନେ ଜାଣିରଖ ଯେ ଏଇ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତୁମର ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ପାଳନ କରେ। ଯଦି ତୁମ ଏ ର ମୂଲ୍ୟ ଏକ ନିଆଯାଉ, ବି ର ମୂଲ୍ୟ ତିନି ନିଆଯାଉ, ତିନି ସି ର ମୂଲ୍ୟ ମାଇନସ ଟୁ ନିଆଯାଉ, ତେବେ ତୁମେ ଯଦି ଗୁଣନ କରିବ ଏଠି ତୁମର କ'ଣ ହେବ ନା, ଏପଟ ଗୁଣିଲେ ଏପଟର ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯଦି ଏହାର ମାନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ, ଏପଟର ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହାର ମାନ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରିବ, ଉଭୟ ସାଇଡ଼ରେ ଏଲ୍ ଏଚ୍ ଏସ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆର୍ ଏଚ୍ ଏସ୍ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମମାନେ ପିଲାମାନେ କଲେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ, କରିକି ଆଣିବ, ଦେଖିବ ଯେ ଏ ଦୁଇଟା ସମାନ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ଆଉ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ଯେଉଁ ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଳନ କରେ। ଏବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ପଢ଼ିଲ, କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପଢ଼ିଲ, ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ପଢ଼ିଲ, ତେବେ ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା, ଅନ୍ୟ କିଛି କିଛି ନିୟମ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଯେଉଁ ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ, କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ, ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ପଢ଼ିଲେ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ଗୁଣନର ଯୋଗ ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଗୁଣନର ବିୟୋଗ ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଗୁଣନର ଶୂନ ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଏ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଜାଣିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହେଉଛି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଶିଖିବା ଜିନିଷ ମିଳିବ, ତେଣୁ ଆଉ ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ବେଶୀ ନାହିଁ, ଭିଡ଼ିଓ ସରିଯିବ। ଏଇଟା ପଢ଼ିଦେବ ଯଦି ତୁମର ଦୁଇ ପାର୍ଟରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିବନି, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା, ଡେରି କରିବାନି। ତେବେ ମୁଁ କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଗୁଣନର ଯୋଗ ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ କହିବି ଏ ଗୁଣନ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ନା ଏ ଗୁଣନ ବି ମିଶାଣ ଏ ଗୁଣନ ସି, ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଗୁଣନ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ, ଆକୁ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବାଣ୍ଟି ହେବା, ଗୁଣନ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ପାଳନ କରେ। ତୁମେମାନେ ଏ ର ମାନ ନେବ, ବି ର ମାନ ନେବ, ସି ର ମାନ ନେବ, ଏବଂ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ
ଏତକ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏତକ ଆସିଲା ନା ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ଶେଷରେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଗୁଣନ ଯୋଗର ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ପାଳନ କରେ। ଏଇଟା ସେଇଭଳି ଭାବେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ତୁମର ଗୁଣନ ବିୟୋଗର ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ପାଳନ କରିଥାଏ। ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏ ଗୁଣନ ବି ଫେଡ଼ାଣ ଏ ଗୁଣନ ସି। ତମେ ଦେଖିବ ଏର ଏ ବାର ମାନ ବିର ମାନ ସିର ମାନ ଯଦି ନେଇକିରି ସେପାରେଟ ଲେଖେ ଦେବ ନେଇକି ଏଥିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ତେବେ ଏ ତିନୋଟି ଆର ପରିମାଣ ଆର ପରିମାଣ ସହିତ ସମାନ ହେବ। ତେବେ ସେଇଠି ଜାଣି ରଖିବ ଯେ ବିୟୋଗର ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଗୁଣନ ପାଳନ କରିଥାଏ। ତେବେ ପୁଣି ଶେଷ ତାକୁ ଯିବା ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଗୁଣନ ରହିଛି ଏ ଗୁଣନ କ'ଣ କରିଛି ନା ଶୂନ ସହିତ ତାର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତେବେ ଦେଖିବା ଶୂନ ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ ଶୂନ ସହିତ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଅର୍ଥ ସବୁବେଳେ ଶୂନ ହିଁ ଆସିବ। ସେ ଋଣାତ୍ମକ ହଉ କିମ୍ବା ଧନାତ୍ମକ ହଉ କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ଶୂନରେ ଗୁଣିବା ତାହା ସବୁବେଳେ ଶୂନ ହିଁ ଆସିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଠି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଯିବା ଆମେ ଏହି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟିକୁ ଯିବା ଯେ ପିଲାମାନେ ଜାଣି ରଖ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମକୁ ଯଦି ତମେ ଗୁଣନ କରିବ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିବ ତାହାର ସବୁବେଳେ ମାନ କ'ଣ ଆସିବ ଏକ ଆସିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ ହେଉଛି ୱାନ୍ ବାଇ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆସିବ ଏକ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମକୁ ଯଦି ତୁମେ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରାଯାଏ ତାହାର ଗୁଣଫଳ ସବୁବେଳେ ଏକ ଆସିବ, ତାକୁ ଗୁଣନାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ କୁହାଯାଏ ଯେ ପାଞ୍ଚର ଗୁଣନାତ୍ମକ ବିଲୋମ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେବ ଏକ ବାଇ ପାଞ୍ଚ। ଅର୍ଥାତ୍ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣଫଳ ଏକ ଆସିବ। ପୁଣି ଶେଷକୁ ଯିବା ଯେ ଯେକୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ତୁମେ ଏକ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରୁଛ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଆସେ। ମନେକର ମୁଁ କହିବି ମାଇନସ୍ ଫୋର୍କୁ ଏକରେ ଗୁଣନ କରିବ କ'ଣ ଆସିବ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ହିଁ ଆସିବ। ହଜାରକୁ ଏକରେ ଗୁଣିବ କ'ଣ ଆସିବ ହଜାରେ ଆସିବ। ସେଇଠୁ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଶୂନ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ ଶୂନ ଆସେ, କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏକ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଆସେ। ତ ପିଲାମାନେ କେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆମର ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି। ତୁମର ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ କରିବ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କରି କରି ନେବ, ଯେଉଁଠି ନ ବୁଝା ପଡ଼ିବ କମେଣ୍ଟସରେ ତୁମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ଟି ଦେବ, ନମ୍ବରଟି ସେଣ୍ଡ କରିବ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପର୍ସନାଲି ତୁମମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଚେଷ୍ଟା କରିବିନି କରିବି, ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବି। ତେବେ ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ମିଶିବା।